आप पराठे तो बहुत बार खाए होंगे, बहुत सारे स्टाइल का। आज एक बार आप मेरे स्टाइल का पराठा बनाकर खाइए, एकदम कुरकुरा कुरकुरा, और टेस्टी भी और हेल्थी भी। आप देख सकते हैं ये पराठा कितना अच्छा और कुरकुरा बना हुआ है, और बनाना भी बहुत ही आसान है। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल घर की अंगेठी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक आलू का पराठा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पालक का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करेंगे। ये मैंने 2 बॉयल किए हुए आलू लिए हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया है, इसे काट लिया है, और 2 हरी मिर्च हैं, इसको भी बारीक काट लिया है। तीखा आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से ले सकते हैं मिर्ची। अब इसमें हम और भी मसाले मिला लेते हैं। हल्का सा अमचूर पाउडर, बहुत ही हल्का सा, ज़्यादा नहीं लेना है, और हल्का सा तीखी लाल मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं कोई बात नहीं। और थोड़ा सा ही धनिया पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं कोई बात नहीं। और नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालेंगे। अब इसे हम मैश कर लेते हैं। ये आलू का स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, और इसी में ही हम पालक का आटा गूंथ कर तैयार करेंगे। ये देखिए, पालक को मैंने धो करके इसको बॉयल कर लिया है, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। आप इस तरह से बॉयल करके फ्रिज में रख दीजिए, आपको जब भी पराठा पूड़ी बनाना हो या रोटी बनाना हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं निकाल करके। पालक को आप 4-5 बार जरूर धोएं, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होता है, थोड़ा भी किरकिरा जाता है तो खाने का टेस्ट एकदम खराब हो जाता है। इसलिए पालक को अच्छे से धोएं, और इसको धो करके किसी भी बर्तन में आप इसे बॉयल कर सकते हैं। ढक्कन लगा कर रख दीजिए, 8 से 10 मिनट में ये बॉयल हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको आटे में इसी तरह से गूंथ सकते हैं, नहीं तो आप इसे पीस लीजिए। तो मैं इसे पीसूंगी, हमें जितना जरूरत है उतना ही हम पीसेंगे। ये देखिए, मैं बहुत थोड़ा ही पीस रही हूँ, आप उतना ही आटे में गूंथिए कि जितना है आपका पालक आटे में अच्छे से गूंथ जाए। इसमें अलग से पानी मिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ये जो पालक में पानी है ये पानी ले सकते हैं। देखिए, अब इसे हम पीस लेते हैं। देखिए, सिर्फ 2 सेकंड लगता पीसने में। अब इसे हम थाली में डाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा पालक अच्छे से पीस गया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको निकाल लेते हैं पालक को। इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब इसमें हम हल्का सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। ये देखिए, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये बहुत ही तीखी है, थोड़े ही डालें आप। और हल्का नमक डालेंगे, नमक बहुत ही कम डालें, क्योंकि पालक भी थोड़ा नमकीन होता है और आपके स्टफिंग में भी नमक डला हुआ है। इसमें हम आटा डालकर गूंथ लेते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ही आटा डालकर गूंथेंगे, क्योंकि हमें इसी में ही डो को तैयार करना है, पालक में ही, पानी अलग से नहीं डालना है। आटा भी गूंथ कर तैयार हो गया है, अब हम पराठा बना सकते हैं। आप इसी आटे और इसी स्टफिंग से आप पूड़ी भी बना सकते हैं। तो आज मैं पराठा बना के दिखाऊंगी आपको। तो पराठा बेलना हम शुरू करते हैं। पहले हम छोटा सा आटे का लोई लेंगे, देखिए, और मैंने थोड़ा सूखा आटा ले लिया है। इसको हम इस तरह से गोल कर लेंगे, थोड़ा दबाएंगे और इसमें सूखा आटा लगा लेंगे। इसको इस तरह से कटोरी जैसे बना लेंगे, देखिए। अब इसमें हम आलू का स्टफिंग भर देंगे।
उतना ही स्टफिंग भरें कि पराठा फटे ना। इस तरह से इसका मुंह बंद कर देंगे और इसको हटा देंगे, थोड़ा सा दबा देंगे और दोबारा से इसमें सूखा आटा लगा लेंगे। हल्का सा इसको हाथ से बढ़ा लेंगे। अब इसको हम बेल लेते हैं। देखिए हमारा पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इस तरह से जितना बड़ा छोटा बेलना चाहते हैं उस तरह से बेल लीजिए। इस तरह से मैं दो तीन पराठा बेलकर तैयार कर लूँगी, फिर सेकूँगी। ये देखिए मैंने तीन पराठे बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम सेक लेते हैं। ये मैंने तवा गरम कर लिया है, जो मैं घर में रेगुलर तवा यूज़ करती हूँ, मैं उसी पर पराठे भी बनाती हूँ। तो अब इसमें हम पराठे डाल देते हैं। ये पराठा एक तरफ हल्का सा सिक गया है, अब इसको हम उलट देते हैं। देखिए दूसरी तरफ भी हम हल्का सेकने देते हैं। ये पराठा दूसरी तरफ भी देखिए हल्का सिक गया है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी लगा सकते हैं। और अब हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देते हैं, क्योंकि तवा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और इसको उलट देते हैं। इस तरफ भी हम तेल लगा लेंगे और पराठे को घुमाते रहेंगे इसी तरह से पराठे को हम दोनों तरफ उलट उलट कर सेकेंगे, अच्छा कुरकुरा होने तक का। देखिए पराठा कितने अच्छे से फूल गया है। गैस को हम एकदम स्लो में कर देंगे ताकि पराठा हमारा एकदम कुरकुरा बने। पराठा बहुत ही अच्छा कुरकुरा हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से सिक गया है, एकदम कुरकुरा बना हुआ है। इसी तरह हम बाकी भी पराठे सेक लेंगे। हमारे आलू और पालक के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कुरकुरे एकदम फूले फूले पराठे बनकर तैयार हुए हैं। एकदम टेस्टी और हेल्थी पराठा। आप इसे दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, रायते के साथ खाइए। तो आप भी इस तरह का पराठे बनाइए, खाइए और अपना कमेंट हमारे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। धन्यवाद।